नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसंत नगरी के इस लिंक रोड पर। यहां आप देख सकते हैं, यहां नज़दीक में वसई के जोन 3 DCP कार्यालय है और यह वसई नालासोपारा का लिंक रोड है, मुख्य रोड है। यहां पर आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, जिस बोर्ड पर 26/11 हमले में शहीद हुए शहीद तुकाराम जी का नाम लिखा हुआ है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसी मांग की है। मैं आम आदमी की पार्टी की मांग पर आता हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि वसई विरार महानगर पालिका 11 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाली है, VVCMC का मैराथन, जो कि नेशनल लेवल का एक आयोजन है। इस आयोजन को लेकर किसी को भी विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर लोगों में रोष है। ये जो मैंने आपको पीछे का चित्र दिखाया, इसकी कहानी ऐसी है कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये रोड है, ये एक रोड है। ये रोड काफ़ी समय से काफ़ी खस्ता हाल में है। पिछले लंबे समय से मांग उठी है कि इस रोड को अच्छे से बनाया जाए, लेकिन महानगर पालिका का इस रोड पे ध्यान नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का फिलहाल यही विरोध है कि जब आप तात्कालिक तौर पर 3-3.5 करोड़ का खर्चा मैराथन के लिए कर सकते हैं, हर अच्छी चीज़ को और ज़्यादा सुशोभित करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि अगर एक दूसरी भाषा में कहा जाए तो मेकअप कर सकते हैं, तो जो चीज़ ज़रूरतमंद है उस पर क्यों नहीं। यहाँ इस रास्ते की ज़रूरत है तो रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये रास्ता न सिर्फ बनाया जाए, बल्कि अभी हाल ही में 26 नवंबर गया, जिस दिन हमने शहीद दिवस मनाया, शहीद तुकाराम जी 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में शहीद हुए थे, तो यहाँ आम आदमी पार्टी की ये भी मांग है कि इस रास्ते को बनाकर इनको डेडिकेट किया जाए और इन शहीद का नाम इस रास्ते को दिया जाए, शहीद चौक यहाँ पे लिखा जाए। तो काफ़ी सराहनीय ये आम आदमी पार्टी का कदम है। अब इस पर देखते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका किस तरह से आम आदमी पार्टी की इस मांग को वो लोग मानते हैं या क्या इस पर उनका जो कुछ वसई विरार महानगर पालिका का इस पर तो अब देखना यह कि वसई विरार महानगर पालिका का इस पूरे मामले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहती है और वसई विरार महानगर पालिका इस मामले को किस तरह से लेती है। जहां तक हमारी जानकारी है, आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई पत्र व्यवहार भी किया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो रिलीज करके इस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनका सुनिए आप आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वसई नालासोपारा से यूसुफ अली। वंदे मातरम दोस्तों, मैं रवि भूषण, आम आदमी पार्टी वसई विरार से। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग आज यहाँ पे आए हैं वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग डी में। यहाँ आने का एक विशेष कारण है दोस्तों। कारण ये है कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई ये है दोस्तों कि वसंत नगरी का जो ग्राउंड है उसके बगल में एक रोड है। एक्चुअली में वो रोड 2-वे था। जो लोग आप लोग हमें फेसबुक पे फॉलो करते हो या हमें जानते हो, उनको मालूम होना चाहिए कि उस रोड के मुद्दे को बार बार आम आदमी पार्टी ने उठाया है। वो रोड 2-वे था, लेकिन उस रोड को अभी 1-वे कर दिया गया है। पिछले साल हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी वसई विरार की पूरी टीम ने, सुशील द्विवेदी जी ने, हम लोगों ने सभी ने इस मुद्दे को जब उठाया था, तो प्रभात डी के कुछ गाड़ियां आई थी प्रभात डी से और वहां पे कुछ साफ सफाई का काम हुआ था, मगर उस रोड को बनाया नहीं गया था। उसके बाद भी मैंने लगातार अचोले महानगर पालिका को फॉलो अप किया, तो इन्होंने ये बोला कि मार्च 2022 में बजट पास हो चुका है और वो उस रोड को बना देंगे। आज की समस्या ये है दोस्तों कि मार्च के बाद ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत चुका है और दूर दूर तक कोई निशान नहीं है कि ये लोग उस रोड पे काम करेंगे भी या नहीं करेंगे। एक तरफ तो मैराथन के नाम पे चारों तरफ हर कुछ चमका रहे हैं, रोड चमका रहे हैं, ये वो सब कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से ही पास प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? क्यों टू वे का जो रास्ता है 1-वे क्यों बन गया? क्यों महानगर पालिका उस पर रोड नहीं बना रही है? तो ये सब सवाल है दोस्तों, और उसके लिए आज हम लोगों ने आज यहाँ एक अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ताकि हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस रोड को बनाइए और यहाँ की जो जनता है, वसंत नगरी की जनता, वो स्पेशल आपसे ये डिमांड करती है कि उस रोड का जो नाम आप रखिए, ASI तुकाराम जी के नाम पे रखिए। हम लोग उनको ये नहीं कि सिर्फ 26/11 को याद करें, उनको हम हर दिन याद करते हैं।
आज हम लोग ने बसंत नगरी के ग्राउंड के बगल में जो सड़क है उसका हम लोग ने निरीक्षण किया। तो पहले रोड जो डूबे था, लोग आते थे जाते थे, उसको अतिक्रमण करके वन वे कर दिया गया है। अबे महानगर पालिका की जरूरत है, उनका कार्य है कि उस रोड का मरम्मतीकरण करें और डूब बनाए। वो भू माफियाओं को मौका नहीं देना चाहिए कि उस सड़क का अतिक्रमण कर ले और सड़क वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए आज हमने महानगर पालिका में ज्ञापन दिया है। नमस्कार, मैं सतीश बालकृष्ण हूँ, आर बदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फोरम की तरफ से हूँ, रघुशैन की फोरम तरफ से हूँ। और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम भी चाहते हैं कि बसंत नगरी का वो रोड टू वे हो जाए और अच्छी तरह से हो। इसके लिए ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुशील द्विवेदिया भी बहुत पहले से है, सब आम आदमी के पार्टी के सब लोग कर रहे हैं, तो हम उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।